पूजारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकल्पे गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति देशमंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तन्नो निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा शान्तिः 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 उपरान्तेः सब देवताओं को प्रणाम करेंगे श्री व्यास पुरुष श्रीमन महागणाधिपतये ढ्यम सुमनोहर अभ्या आसीदंतरक्षत्वं श्रीष्णो द्योः सामावर्तता वृधां भूमिर्दिशः क्रोधी भवति उपरान्ते एकतन्त्रेण गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि उपरान्ते यक्षतं समर्पयामि यक्षगान्ते उपरान्ते नैवेद्यं नैवेदयामि नाभ्या आसीदंतरक्षत्वं श्रीष्णो द्योः सामावर्तता वृधां भूमिर्दिशः श्रोत्रार्था लोकां वा कल्पयन्नः आचमनीयान्ते उपरान्ते जाके मांगे कि मैं आपको विष्णु स्वरूप के नाम करके कन्या के पानी ग्रहण संस्कार हेतु पूजन की आज्ञा चाहता हूँ आप आज्ञा पूजन वो आज्ञा कर बोलिए आप अभ्यः श्री शुभे हे पूजनान्ते हे वराय विष्णु रूपाय ओम अभ्यः श्री शुभे हे वराय विष्णु रूपाय विष्णु रूपाय दुष्टरम दुष्टरम प्रतिगणना दुष्टरम दुष्टरम प्रतिगणना प्रतिगणना दुष्टरम दुष्टरम प्रतिगणना प्रतिगणना ओम दुष्टरम दुष्टरो दुष्टराः दुष्टरम इत्यन्न नोक्ते दुष्टरम प्रतिगणना वाग्मति दाता वदेतः दुष्टरान् अतः श्री शुभेः दुष्टरान् देहे ओम सूर्य शास्त्रांशो दे दूरासी जगत पदे अनुकंपय मां भक्त्या तिष्ठत ग्रहाण परमेश्वरः उपरांते आच ओम गंगा औ वृक्षाजहाय उपरांते ओम आपो हिष्टामयो अपने आपो हिष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातना महीरणाय दक्षसे रक्ति उपरान्ते मधुपर्कं गन्धर्पाघनौस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः द्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् यक्षुमादमुचियतः वराय विष्णुरूपाय वराय विष्णु विष्णरं विष्णरं प्रतिगृह्णाति प्रतिगृह्णाति ओम विष्णुं निष्कान्ते उपरान्ते मधुपर् ओम मधुपादारिदायदे मधुपरी और
हिंटाना चाहिए। शुभ गोत्र उत्पन्न अतः पाणी ग्रहण संस्कार स्वस्ति नूघा विश्वावेदा स्वस्ति नस्ताक्षो आरिष्टा स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधा।
श्रीमान छोटे लाल जी प्रपोत्राया, श्रीमान छोटे लाल जी प्रपोत्राया। अध्याय गंगा जमुना शीतल धाय वर कन्या के पैर पुजाय शाखो सारांते त्रय पीढ़ी वाले नमः। अध्याय श्री शुभे हे शुभ शाखा शुभ शाखिनो, अध्याय शुभ गोत्रोत्पन्न पतेले गोत्रोत्पन्न पौत्राय श्रीमान पंची लाल जी पौत्राय, श्रीमान पंची लाल जी पौत्राय, श्रीमान पंची लाल जी पौत्राय। त्रय पीढ़ी वादनांते गंगा जमुना शीतल धाय वर कन्या के पैर पुजाय, अध्याय त्रय पीढ़ी वादनम कुर्यात। अतः श्री शुभे हे शुभ शाखिनो शुभ बीजिनो शुभ शाखायाम अध्याय पुत्राय। श्रीमान जय राम जी पुत्राय, श्रीमान जय राम जी पुत्राय, श्रीमान जय राम जी पुत्राय। त्रय पीढ़ी वादनांते शाखिनो वादिनो वेदिनो अत इति नमः। अध्याय श्री शुभे हे पूजनांते शाकोचारम कुर्यात। हाँ जी, अपने अपने बाबा का श्रीमान प्यारे लाल जी प्रपोत्रियम, श्रीमान प्यारे लाल जी प्रपोत्रियम, श्रीमान प्यारे लाल जी प्रपोत्रियम कटारिया गोत्रोत्पन्न अध्याय श्री शुभे हे त्रय पीढ़ी वादनांते गंगा जमुना शीतल धाय वर कन्या के पैर पूजाय पूजनांते उपरांते। अध्याय श्री शुभे हे हाँ जी, आपके बाबा जी का नाम किशन चंद जी, लड़की के बाबा श्रीमान किशन चंद जी पौत्रियम, श्रीमान किशन चंद जी पौत्रियम, श्रीमान किशन चंद जी पौत्रियम। त्रय पीढ़ी वादनांते गंगा जमुना शीतल धाय वर कन्या के पैर पुजाय, त्रय पीढ़ी वादन महा अध्याय श्री शुभ पुत्रियम महा गुलशन कुमार नामनी पुत्रियम, श्रीमान गुलशन कुमार नामनी पुत्रियम, श्रीमान गुलशन कुमार नामनी पुत्रियम। महाते पीढ़ी वादनांते शाखा मिलनम कुटियम यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोतु निशतं परमेश्वरमतुलं प्राप्स्य देवभूतले नमः। दोनों धागे को लपेट ऐसे उतर ऐसे उतर ऐसे आंटी जी आप हाथ लगाओ, एक बार इधर देखना हाथ लगा के ना अंकल जी। आंटी जी आप भी इधर थोड़ा सा कन्यादान लड़की के हाथ में लड़की का सुशील भाई पत्नी का हाथ हाँ। तो सबसे विष्णु राज्ञे प्रवर्तमान से ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बू द्वीपे भट्टखंडे आर्यावर्त के देशांतर्गते पुण्य प्रदेश कलियुगे कल प्रथम चरणे शुभ नाम संवत्सरे संवत्तु हजार उन्यासी साके सालवानस्य 1944 मासोत्तमे मासे शुभे मासे फाल्गुन मासे शुभे हे कृष्ण पक्षे चतुर्थी उपरांते पंचमी तिथियांते अध्याय श्री शुभे हे अध्याय श्री शुभे हे शनिवासरे शुक्रवासरे उपरांते शनिवासरे हे अध्याय श्री श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेद फल प्राप्ति कामः वेद फल प्राप्ति कामः यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुःखो पशमनार्थम सर्वे भय जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा निवारार्थम इमां कन्या सालंकारा स्वर्ण जडित मणि मौक्तिक कविदु महाधौत रक्त पीत कौशिके शोभितां तां पुष्पं फल कर्पूर श्रीखंड कस्तूरी कुमकुम लवंग जाति चंपक मालती कुसुम राज विविध तुलिकादि रौप्य कांस्य ताम्र गणमय भंडारी नाम कौशम विश्वा शादि का दास दासी नाम ग्राम दासी नाम निपान लवन सर्वोपस्थम साधु तिरंग संदेशकम कांस्य पात्र स्वाम देवतम ताम्र पात्र मर्द देवतम जनजनकम वायु देवतम अश्वमादित्य देवतम गौवर्षम रुद्रदेव लक्ष्मी रूपाम अमुक गोत्रायाम लड़के का गोत्र बोलिए पतेले गोत्रोत्पन्न अमुक पतेले गोत्राय अमुक नामने वराय इनका नाम बोलिए अमन नामनी वराय आप बोलेंगे नाम विष्णु रूपाय पत्नी तेन तुभ्य महेश प्रपत्यते हाँ जी साहब इन्होंने अपनी कन्या का लालन पालन करके आपके नृत्य सुयोग्य वर मान करके विष्णु भगवान के गुरु पद मान करके अपनी कन्या का यह दान करते हैं। बोला विष्णु भगवान की ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि उपरांते प्रणाम Thank you.
ज्ञानेन्द्रियाभिराजो अधिपूरुषः स जातो अध्यर्चिता पश्चात् भूमिमथो पुरः स्वाहा ्यादृष्टशाङ्गुलम् स्वाहा पुरुष एवेदकुं सर्वञ्जर्भूतं च भाव्यं मा उदामतदोषीयेषानुजतन्नेना तिरुहति श्रीपादस्यामृतं दिवि स्वाहा श्रीपादूर्ध्वौदयदूर्ध्वः पादोषेहा भावत्पुनः ततो विषमङ्गकरामत्राशनानशनेऽभि स्वाहा ततो विराडजायदविराजो अधिपूर्ध्वः स जातो अतिरक्षितपश्चात् भूमिवतो पुरः स्वाहा तस्मात्यज्ञा सर्वबहुधः संवृतं मृखदाज्यं मा पशोस्तांशकरे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च स्वाहा तस्माद्यज्ञा सर्वबहुतरिजः सामानि यज्ञिरे छन्दा कुंसिज्ञिरे तस्माद् तस्मादजायत स्वाहा तस्मा एक पैसा देखना जी कराएं जी तेरे कराएं कुछ देना देना भी अपन जी नहीं हाँ और उठाओ और उठाओ हाँ ओ मंगलिकम 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 पांच बल लेके चढ़ा दो बल कर देना मंगलिकम 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 महा अखियां मिला के चन्ना
जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन साथी हम दिया और बाती हम जीवन Peace.
प्रश्न मम सम्मति गृहणीय। यदि यज्ञ करें तो स्वामी मेरी सहमति, यदि दानम कुर्यात मम सम्मति गृहणीय। आप यदि दान करें, कुछ भी आपको दान करना है, पुण्य करना है, जो मनुष्य तीन प्रकार के ऋण में जन्म से ही बंधित होगा, मात्र ऋण, पितृ ऋण, मुझे ऋण से तीसरा होता। यदि अवस्था का पालन क्रिया तीन अवस्थाएं, दो वचन माने हैं, तीसरा वचन तीन अवस्थाएं हैं कि बाल अवस्था, युवा अवस्था। यदि धन आपने कहीं छुपा के रखा हुआ है, कम रखा हुआ है, जैसे भी है, तो धन की जानकारी को होनी चाहिए। उसके बाद विश्राम को करना है तो उसमें इनकी सहमति आप अवश्य लेंगे। छठवा वचन मांगा है, छठ कुसु मम पालन कुरियात, विधान रखना। और सातवा वचन मांगा है कि स्वामी आपको सहचाऊंगी, आपको मेरा ख्याल रखना है, साथ सहेलियों में, समाज में, परिवार में कहीं बैठी हूँ, स्त्री का सुनने को साक्षी मान के सातों वचन का पालन करूँगा। ठाकुर जी मुझे आशीर्वाद। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब जब इस तरह से जब आपने सातों वचन ले लिए तो आप बोले कि देवी सुनो, आपने तो वचन ले लिए, हम भी कुछ वचन ले लें। पार्वती जी बोली, महाराज आपको क्यों 14 क्यों दूंगी मैं, आपका आधा आसन मिलेगा ना, इसलिए आधे ही वचन मिलेंगे। तो इन्होंने मांगे सात, अब सात के आधे कितने हुए, 3.5 वचन। और 3.5 के इसलिए कहा कि चलो 4 दे देते हैं, 3.5 को क्या देना, तो 4 वचन में काम पूरा किया। उद्याने मद पाने पिता ग्रह गमने, उद्यान मतलब जंगल, तो जो बाग बगीचे इन सब स्थानों पर आपके किसी संबंधी के साथ मद पाने, जहाँ मद पान होता है वहाँ से निकलेगा, वहाँ से मत निकलना। मद भी दो प्रकार का बताया, जमाने का और खराब का, इन दोनों से बच के रहना। तीसरा बताया पिता ग्रह गमने बचा, पिता के घर पे बिना आज्ञा मत जाना। अब से यह आपका घर है, यही आपका परिवार है, इसी को आप अपना समझ के चलिएगा। परिवार वह आपका कल तक था, अगर आपसे आपका सबूत ही तो हो जाएगा भाई। पुत्री क्या होती है, पुत्री से छोटी सी बच्ची से पूछे था घर का सब बताइए, ये घर है, ये मम्मी है, पिताजी है, ये अब सब जो है सब काम है। और वही जब विवाह हो जाता है, विवाह के बाद सब कुछ बदल जाता है एकदम, मतलब 2-4 साल में अब वो मेरा मायका हो गया और ये मेरा घर हो गया। इस तरह से उसकी दुनिया बदल जाती है। तो दो घरों को संभालने वाली दुनिया आपसे, आप उनसे कह, ये आपसे कह रहे हैं कि देवी पिता ग्रह का मन, अब आप इस घर की हैं तो इस घर की मर्जी कर्तव्य, आप इनकी आज्ञा को मनन करें, पालन करें। ऐसा नहीं कि भाई इनसे विवाह हुआ है तो इनसे ही मतलब है, घर में इनकी माता जी, पिताजी, भाई बंधु, सब जो परिवार के हैं, सबका सम्मान करते हुए, सबको साथ में लेते चलते हुए मेरी गृहस्थी को आप आगे बढ़ाएंगे, मेरे वंश को, परिवार को आगे चलाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप भी दोनों हाथ आगे करें और प्रार्थना करें। आधार कार्ड दे आज बोली, मैं अग्नि को साक्षी मान के बच्चों का पालन करूंगी। बोलो विष्णु भगवान खड़े हो जाओ, हाथ पकड़ लो, जगह बताइए, दोनों हाथ पकड़ लो, दोनों हाथ पकड़ो, घूम जाइए जगह पर, आप उधर आ जाओ, आप इधर भैया थोड़ा आगे से मलबा वाला, कैसे भैया पीठ मत दिखाना, घूम जाओ जी, कैसे ऐसे घूम जाओ, बस आमने सामने होकर बिल्कुल दोनों एक दूसरे को देखते हुए घूमो। अरे एक दूसरे को देखो भैया, हाँ आप इधर आ जाओ, वो इधर आ जाएगी, बात बैठ जाओ, पहले कौन बैठा है, रुको रुको रुको, लग जान आराम से दुपट्टा सही करो, लगा रखा हो अपने आदमी कम से कम भाई पहले सिंदूर डलो तभी तो बहुत बड़ी। आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं, सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आजी, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके, तेरे ख्वाब सजाने वाला
तेरी दुनिया बसाने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है मेरा दिल। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो तिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तुम्हारे
प्यारी, मिले ना तुम्हें इश्क में बेकरारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी।
मेरा घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई है। उठाओ कहार पिया मिलन की रुत।
खुशियों वाली हर आशा परवान चली। दिन है दशहरा रात दिवाली, गले डाल बाहों का हार कहार पिया, मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई। तन मय के मन तेरी जगाती, भवरे भी करते हैं
चंदन पंख पसारे उड़े पखेरु सिंदूरी सिंदूरी आंगन मंगल मंगल बेला मंगल सौरभ सौरभ सारा भुवन इन चरणों में फूल चढ़ाने आए देवी राधा मोहन मन बसिया मेरी आंखों की